केसरासरा के चेयरमैन सतीश पंचारिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा। या वो ब्रांडिंग है ना। हेलो, वर्ल्ड के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, what a time to be alive, what a fantastic time to be alive. We live in a world which is changing continuously and relentlessly. हम सब एक ऐसे नदी में बह रहे हैं जो कल क्या मोड़ लेगी उसका किसी को अंदाजा नहीं। जैसे बच्चे ने कहा कि कभी इसने सोचा ही नहीं था कि कभी ये एक कमरे में बैठेगा जहां पर कंप्यूटर से घिरा होगा और एक पूरी की पूरी फिल्म जो है एक एक स्टूडियो 60x60 के स्टूडियो में बना देगा, जहां आपने इमेजेस देखे हैं, ट्रेन है, चलती है, स्टेशंस हैं, स्नो लैंडस्केप्स हैं, क्या नहीं है। ये इमेजेस सोच के हम बहुत ही मिडिल क्लास माहौल में पले बने हैं, जहाँ पर हम लोकेशन के बारे में 10 मरतबा सोचते थे, उसका कॉस्ट क्या है, कितना भाड़ा होगा। और ये जो इमेजेस थे, ये रईसों की जागीर थी, बड़े लोगों की जागीर थी, जिनके पास बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे। मगर टेक्नोलॉजी इज द ग्रेटेस्ट लेवलर। शायद विक्रम को याद होगा कि हमारे सेट पे जब मिस्टर एक्स की शूटिंग पर टिम कुक आए थे, एप्पल के सीईओ, उन्होंने ऐसे आईफोन को उठा के कहा था, ऐसे, this is the tool that will change the world. Now you can make movies, distribute movies, consume movies on this. Anybody who has ideas can now make a movie and reach people. Aaj jab hum sadkon mein chalte hain, jab aap dekhte hain kya jo ladka sadak saaf kar raha hai uske paas bhi mobile hai, smartphone hai, apne ghar walon se wo video call kar raha hai, तो लगता है कि दुनिया में कहीं पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुई है। ऐसा कुछ किया है इस बच्चे ने और सतीश भाई ने आगे बढ़कर अपने विजनरी होने का सबूत दिया है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जीनियस वो नहीं होता है जो एक पहिया बनाता है, जीनियस वो होता है जो बाकी 3 पहिये जोड़ता है। तो इन्होंने आके 3 पहिये जोड़े हैं और जब जाके हमारा एक वर्चुअल स्टूडियो जो है बनने वाला है फर्स्ट को, और ये क्रांति ही है, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। क्योंकि हमने सफर शुरू किया था 70s में, मिचेल का जमाना था, लाइट्स को ले जाने के लिए मजदूर उठाते थे, हैवी इक्विपमेंट लेके पहाड़ों पे जाते थे, कमर टूट जाती थी। मगर आज ये टेक्नोलॉजी के जरिए ये संभव है कि स्टोरी टेलिंग नाउ कैन बिकम अवेलेबल टू एवरीबडी, एंड दैट इज व्हाट द रियल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इज। हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं उसके जरिए रीजनल सिनेमा के हमारे क्रिएटर्स जो हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जिनका बहुत मीगर बजट होता है, पंजाबी फिल्म मेकर्स हो, बंगाली फिल्म मेकर्स हो, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के, मुल्क के कोने कोने से, जिसके पास बहुत ही मॉडरेट बजट है और जिसने जिसके जहन में वो सपने तो हैं कि ऐसे इमेजेस हों मगर पैसे नहीं है, वो आए हमारे पास। OTT का कंटेंट क्रिएट करना है आपको, टेलीविजन का कंटेंट क्रिएट करना है आपको, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये हुआ कब? सबसे भयानक मोड़ पे हम जब आए, जब कोविड ने घेरा और बिल्कुल लगता था बस या तो हम पाताल में जाएंगे या शायद एक दिन और जी पाएंगे, ऐसे में इस बच्चे ने जुर्रत करके अपने आप कदम उठाया और एक ऐसी दिशा में चल दिया
जहां से उसने अनरियल इंजन और ये वर्चुअल रियलिटी की दुनिया को एक्सप्लोर किया। इसलिए जुदा होके भी हमारे लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डेमोन्स्ट्रेशन का एक सबूत है एंड हिंदुस्तान की आवाम ने उसको सराहा है। कोई मजाक ले बोल दे कि साहब ये अनरियल इंजन अपने ये शॉट जो है अनरियल है, आपके मतभेद हो सकते हैं कंटेंट को लेकर, वो हर पिक्चर के बारे में होता है, मगर जो आम हिंदुस्तानी है या जो सोफिस्टिकेटेड हिंदुस्तानी भी है वो ये देख के ये नहीं बोलता कि ये लोकेशन पे शूटिंग नहीं हुई, हालांकि हम वो 60x60 के सेट से भारी नहीं गए हैं। ये अपने आप में एक रहस्य है। जैसे गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता था कि कभी वो अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों पे सोकर रात को अपनी माँ से, अपने पति से या अपनी पत्नी से बात कर सके। टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल। तो मेरा ये मानना है कि द टाइम्स आर फैसिनेटिंग टाइम्स एंड देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई वुड लाइक टू से इज दैट, देखिए हम सब जानते हैं कि बिजनेस, सिनेमा का बिजनेस श्रिंक हो गया है। सतीश भाई जो ग्रास रूट से वाकिफ हैं वो कहते हैं कि साहब बट साहब कल तक का कल 2 महीने पहले 100 रुपये मिलता था आपको अपनी हिंदुस्तानी फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का, तो आप उसका 15% मिलता है आपको। तो बिजनेस जो है श्रिंक हो गया है, द इकोनॉमी इज इन डोलड्रम्स। ऐसे में हमको स्मॉल बजट फिल्म बनानी है तो आपको कोई जरिया अपनाना पड़ेगा जिससे आप स्मॉल लगे नहीं प्राइम ऑफेसी, क्योंकि एज ऑफ इमेज मेकिंग है। और टाइम पावर्टी की एक बहुत बड़ी मार है। अगर हम सब किसी चीज से लड़ रहे हैं वो वक्त की हीनता है। आपकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आप अपना ये कंटेंट जो है यहां कैप्चर करके भेजें, हमारी भी यही प्रॉब्लम होती है। टाइम पावर्टी से सारे विश्व में सबके सब, पॉलिटिशियन से लेकर एंटरटेनर से लेकर मीडिया हाउसेस सब जो हैं आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं। अटेंशन इकोनॉमी में हम इमेजेस के जरिए ही लोगों तक पहुंच पाएंगे। ये बच्चा आया, उसने मुझे आके उस दिन समझाया, भट्ट साहब कहानियां तो एक जरिया होती हैं लोगों को बांधने का, मगर लोग आएंगे तभी सिनेमा हॉल में जब वो स्पेक्टेकल देखेंगे। और सतीश भाई ने कल मुझे चौंका दिया, उसने कहा कि भैया अब हमारी जो है सोच बड़ी हो जानी चाहिए, एक विराट स्वरूप दिखाया उन्होंने। मैंने कहा कि 9000 सिनेमा हॉल्स को हम क्यों टारगेट करें, विश्व में 1.5 लाख सिनेमा हॉल हैं, हम बनाएंगे वर्ल्ड बेस्ट लुकिंग कंटेंट और भेजेंगे, स्पेन में भेजेंगे, पोर्चुगल में भेजेंगे, हम क्यों सिर्फ 9000 सिनेमा तक अपने आप को सीमित रखें। कहीं पर जरूरत, ये कोविड के दौर से गुजर के कुछ लोगों के विजन ने के अंदर एक जरूरत पैदा हुई है और ये टेक्नोलॉजी की सहायता से एक लीप लिया गया है जो आपको हमारे स्टूडियो में हम प्रोवाइड करेंगे, दी स्किल्स टू क्रिएट फॉर योर फिल्म। अगर आप बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं तो ये विक्रम का दावा है कि वो 40% कॉस्ट कम कर देगा। वो 40% बहुत पैसा होता है। और जो ये सोचता है कि साहब नहीं मेरे पास तो बड़ा स्टार है ही नहीं, मैं तो सोच ही नहीं सकता, तो उसको हम बोलते हैं भाई आ तू अपना कंसेप्शन दिखा, हम बना के दिखाते हैं कि तू भी वही दिखा सकता है जो बड़े स्टार के साथ में आप दिखा सकते हैं। एंड दिस इज अवेलेबल टू एवरीबडी इन माई कंट्री, द लेवल प्लेइंग फील्ड। क्योंकि जो रोशनी राजा पे चमकती है वो भिखारी भी वैसी चमकती है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। उसी तरह टेक्नोलॉजी का जो फायदा होता है तो सबको होता है, इट डजंट क्रिएट अ प्रिविलेज क्लास। तो आई वुड से अ लेवल प्लेइंग फील्ड, अ डेमोक्रेटाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। और खिलौने जो हम बना रहे हैं अभी यह अंग्रेजी में भी बनेगी, हिंदी और अंग्रेजी में। और जैसे सतीश जी कह रहे थे 9000 के सिनेमा तक हॉल से हम सीमित नहीं रखेंगे खेल हमारा, 1.5 लाख। तो खेल बदल गया, दिस इज एन एज ऑफ न्यू सन्स, नए सूरजों का जमाना है। एक सूरज नहीं, कुछ अजीब अजीब जगह से सूरज निकल रहे हैं। और हम अगर चेंज अवर्स हों,
अगर हम चेंज और परिवर्तन से अपना दामन बचाते रहें तो हम चूक जाएंगे. ये कुछ जरूरत करके हमसे कुछ हो गया है, वक्त ने हमसे करवाया है. कहते हैं इसलिए कि सबसे बुरा वक्त होता है वो कभी कभी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है. हमने जब अपनी जिंदगी में मुड़ कर देखा तो हमको भी ये लगा कि जब बहुत जलील हुए, जब गिरे पड़े, तभी कुछ जागा हमारे अंदर. तो ये बिल्कुल पहुंच ही गया था कगार पे बिल्कुल, और ऐसा लगा कि गिरा, वह गिरते गिरते पंख इसने इसके निकल आया और ये उड़ रहा है. और आज हम आपके साथ में ये शेयर करने आए हैं कि वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी कैन प्रोवाइड द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री ऑल द स्किल्स दैट वी हैव मास्टर्ड. जुदा होके भी हमने जो स्किल्स हमने लर्न की, हमने वी हैव पेड वेरी हैवली. ये 14 घंटे 18 घंटे काम करता था, वो सारी लर्निंग एक्सपीरियंस इज अवेलेबल टू द इंडस्ट्री. क्योंकि रोशनी अगर सिर्फ मेरे घर तक है तो वो रोशनी नहीं, उसका फायदा आपके घर में भी उस आपके घर में भी स्पिल होती है. सो दिस इज व्हाट इज द थॉट बिहाइंड इट. एंड आई फील दैट के द वर्चुअल टेक्नोलॉजी इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. एंड फाइनली आई थिंक विक्रम इज टेलिंग मी आई हैव कवर्ड इट बिकॉज ही wrote down these points to me that I shouldn't miss anything. मगर एक ही बात मैं कहूंगा कि क्रांति जब घटती है तो कोई बैंड बाजा नहीं बचता है. ऐसे ही वक्त करवट लेता है और बात बदल जाती है. एक दिन सडनली इंटरनेट आ गया हमारी जिंदगी में, सडनली एंड एवरीथिंग चेंज्ड. सो वी आर ऑल, हम सब irrespective of the businesses we belong to, we are all flowing in the river of time which is changing relentlessly and continuously. Aur aise mein humne entertainment ke kshetra mein ek unreal engine aur led ki technology ko master kiya hai. Master kiya hai main kahunga daave ke sath mein, chhati thok ke kahunga master kiya hai. Kyunki hum gareeb background se aaye hain, hamare paas paisa nahi hota tha, हम ओवरशूट नहीं करते थे, हम शॉर्ट्स एक्सेसिवली नहीं लेते थे, हम स्टोरी टेलिंग जो है स्टोरी बोर्डिंग के बगैर अपने जहन में करते थे, हमारा रॉ फुटेज वेस्ट नहीं होता था. जब स्टोरी टेलर और फिल्म मेकर जिसके पास 35 साल का एक सफर हो और जिसके सर पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो 50 साल का सफर तय करके आया है और जिसके पास ऐसा विजनरी हो जो जरूरत करके बोलता है कि अपनी विजन को छोटा क्यों करते हो, हम विदेशियों को ले लाएंगे. जैसे हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो हैं दुनिया के कोने कोने में, उनकी जो 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 पहचान है सब सल्यूट करते हैं. नारायण मूर्ति, इंफोसिस की मूवमेंट छह लोगों के साथ शुरू होती पुणे में. दिस इज अ रेवोल्यूशन दैट वी हैव क्रिएटेड. मगर क्या है कि अंधों के शहर में आईना बेचने निकले हम. तो ये बस आईना एक मरतबा देख लें तो समझ आ जाएगा कि ये आपके फायदे की बात है, सबके फायदे की बात है. क्योंकि फायदा सिर्फ अगर आपका हो तो वो एक डिवाइडेड वर्ल्ड क्रिएट करता है. एंड इफ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम हिज लर्निंग देन इट्स अ बेटर वर्ल्ड वी क्रिएट. थैंक यू वेरी मच. विक्रम सर, आप क्या कहेंगे? सर ने तो सारी चीजें बताई, एलईडी वर्ल्ड और आपने ये सर वहां से आया सर, ये सीटी मारने वाले को मैं बहुत सलाम करता हूं सर. ये वो रियलिटी शो से आया सर, ये वहां से बॉस ने कुछ छोड़ा नहीं है एक्चुअली मेरे लिए. लेकिन मुझे वो लाइन याद आती है गांधी फिल्म की कि जब गांधी जी का देहांत हुआ था तो किसी ने कहा था कि जनरेशंस टू कम विल स्केस बिलीव दैट सच अ मैन इन फ्लैश एंड ब्लड एवर वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ. तो मैं ये कहूँगा कि आज का दिन आप लोग सब याद रखिएगा, क्योंकि कभी ना कभी आप ज़रूर कहेंगे कि जब पहली वर्चुअल वर्ल्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब हम थे वहाँ पर. और आज का दिन ऐसा है, जैसे बॉस ने कहा कि अंधों के शहर में आईना बेचने चले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये
टेक्नोलॉजी से उनको आंखें आ जाए, क्योंकि हम क्या कुछ नहीं कर सकते इसमें, मैं आपको बयां नहीं कर सकता। मैंने एक, और जब मैंने ये फिल्म शुरू की थी जुदा होके भी, और मैंने बॉस से कहा कि एक स्टूडियो में शूट करूंगा बॉस, तो बॉस ने कहा पगले, उत्तराखंड की पिक्चर है, तू बोरीवली में बना रहा है। तो मैंने कहा बॉस नहीं, पहले दिन तो बॉस ने आके कहा कि शॉट क्यों नहीं ले रहा है तू, शॉट ले, शॉट क्यों नहीं ले रहा है। पहले दिन में कुछ गड़बड़ हो गई, ये एलईडी साला चल नहीं रहा है, फेल हो गया। मैंने कहा गई भैंस पानी में, और बॉस कहे शॉट ले, कितने बजे शॉट लेगा? तो मैंने कहा आज पैकअप कर देते हैं बॉस, कल से शुरू करते हैं, ये टेंशन बर्दाश्त नहीं होगा। फिर धीरे धीरे हमने शुरू की, ट्रेन भी ले आए, प्लेन भी ले आए, कार चेस भी की, स्नो भी किया, सब कुछ किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब हमने लोगों को दिखाया तो लोगों ने कहा इसमें डीआई तो बाकी है ना, इसमें डीआई करना है ना अभी। तो मैंने सतीश भाई से कहा सतीश भाई डीआई करके दिखाते हैं लोगों को। तो डीआई करके देखा लोगों ने, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यार ये तो रिलीज नहीं हुआ ना पिक्चर भी, ये रिलीज बड़े पर्दे पर कैसा लगता है ये बताइए ना। तो सतीश भाई ने कहा देखो ये जुदा होके भी जो है ना, इसको थिएटर में रिलीज कर दो। तो मैंने कहा कि सतीश भाई इसको ना हमने लॉकडाउन के टाइम बनाई थी एक्चुअली सैटेलाइट डिजिटल के लिए, ओटीटी के लिए। तो इन्होंने कहा कि जब तक तुम थिएटर में रिलीज नहीं करोगे ना, लोग मानेंगे नहीं, लोगों को यकीन नहीं होगा, तो पिक्चर का बिजनेस भूल जाओ, यही अपना R&D है, तुम लगा दो पिक्चर। तो इसके लिए शेर दिल चाहिए, लगा दिया सतीश भाई ने पिक्चर को। अब ये आज जो है ना एक यूनिक सक्सेस पार्टी एक्चुअली, क्योंकि एक आदमी ने ऐसा नहीं कहा कि ये कुछ वर्चुअल सा है क्या, ये पहाड़ रियल नहीं है, ये गाड़ी कुछ फेक है, किसी ने नहीं कहा। तो अब हमने सारे जो इम्तिहान थे सारे दे दिए, पिक्चर को ले गए थिएटर तक, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल प्रोडक्शन का हमने अल्टीमेट टेस्ट दे दिया और पास कर दिया। और आज यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि अभी आप लोग के ऊपर है कि आप लोग ये टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये आपका काम है। अगर ये आपके लिए, आप हमारे लिए करेंगे तो लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, छोटे फिल्म वालों की तरक्की होगी, बड़े फिल्म वाले पैसे बचाएंगे। और जैसे बॉस ने कहा खिलौने को हम इंग्लिश में भी बना रहे हैं, तो सिर्फ चाइनीज़ फिल्म जो है आज इंटरनेशनल फिल्मों का मुकाबला करती है, कोरियन फिल्म मुकाबला करती है, हम क्यों ना करें? अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हमारा एवेंजर क्यों ना हो भाई, हमारे पास भी तो शक्तिमान है, उनके पास अगर कोई है तो वो क्यों ना उड़े हवा में। तो बस उसी को पंख देने के लिए ये टेक्नोलॉजी बनी है, और अब जो है ये टेक्नोलॉजी ने उड़ान भर ली है, तो हम यही खुशी आज आपके लिए शेयर करना चाह रहे हैं। थैंक यू। सतीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस सक्सेस के लिए? और तीन पहिया नहीं, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है तीन पहिया वाला, छोटा हूँ मैं। कुल मिला के ये इंडस्ट्रीज का दायरा बड़ा कर देगी बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का जो दायरा है आज वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज कर दिया उसको, इस टेक्नोलॉजी के कारण हम ग्लोबल के इक्विलेंट हो गए, यही मैं कहना चाहूँगा आपको। थैंक यू। अच्छा सर, 1920 हमने सुना कि वो फ्रेंचाइज अनाउंस हो गई है, तो उसके बारे में बताएं कुछ, क्या होने वाला है इस फिल्म में? 1920 मेरी एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, और अभी ये जो फिल्म है वो मेरी बेटी डायरेक्ट कर रही है। अजीब बात यह है कि जब पहले मेरी बेटी ने इंटरेस्ट जाहिर किया फिल्मों का और मेरे साथ आने लगी, तो वो 1920 फिल्म थी जो मैंने डायरेक्ट की थी 2008 में,
और बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखती थी कि ये क्या हो रहा है. हॉरर सीन में बहुत डरती थी और आज अभी लोगों को डराने का काम कर रही है, मुझे भी डराती है. तो स्पेशल फिल्म है और ये हम वंस अगेन वर्चुअल वर्ल्ड में कर रहे हैं शूट. मैं एक फिल्म बना रहा हूँ खिलौने, जो मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर है. बहुत बड़ी एक्शन फिल्म है और आज ये मेरा दावा है कि ये एक्शन फिल्म सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों का मुकाबला करेगी वर्ल्ड वाइड. इसलिए हम लोग उसको इंग्लिश में बना रहे हैं. तो जैसे बॉस ने कहा, एक बड़ी अच्छी लाइन है, द स्टार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ विस्पर. सो प्लीज लिसन टू द विस्पर टुडे बिकॉज यू आर द फर्स्ट पीपल टू लिसन टू दिस विस्पर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. हेलो. हेलो सर, श्रद्धा फ्रॉम ANI. विक्रम सर, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है. जिस तरीके से आपने बताया अभी एक वर्चुअल वर्ल्ड, फर्स्टली हम ये सभी टेक्निक्स देखते थे पिक्सार, डिज्नी पिक्सार, ये सब मूवीज में ये सब टेक्निक्स, जस्ट लाइक VFX, रोटोस्कोपी एज वेल एज न्यूक, ऑल दिस टेक्निक, बट नाउ यू आर ब्रिंगिंग दिस टेक्निक. सो ये कितना आसान होगा आपके लिए, क्योंकि आजकल की जो बॉलीवुड फिल्म्स है इसमें तो हम नहीं देखते ये सब टेक्निक. जितने भी ये टेक्निक्स है मोस्ट ऑफ लोगों को भी, मासेस को भी नहीं पता होता है. सो प्लीज़ आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में, एज वेल एज आपने LED का भी जिक्र किया है जिसमें लाइक दी कैरेक्टर विल बी इंसर्टेड इन दैट, यू सेड लाइक दैट. सो व्हाट इट इज ऑल अबाउट? तो मैं आपको समझाता हूँ. जिस टेक्निक के बारे में आप बात कर रही हैं, न्यूक एंड रोटोस्कोपी इज जस्ट यू नो कार्विंग आउट इमेजेस, ये सब 2D काम चल रहा था. वर्चुअल वर्ल्ड एक 3D वर्ल्ड है ना. अभी आप ये सोचिए कि ये जो टेबल है उस पर मैंने एक मॉडल बनाया, 3D मॉडल. एक मॉडल है जिसमें पहाड़ भी है, छोटे घर है, एक ट्रेन है, सब बनाया मैंने. और अब मैंने एक इतने छोटे कैमरा से वो मॉडल के अंदर चला गया और अब मैं अपने एक्टरों को भी इसमें लेके आया. ये वर्चुअल वर्ल्ड. ये फर्क सिर्फ इतना है कि टेबल पे नहीं है, कंप्यूटर के अंदर. तो इट इज नॉट रोटोस्कोपी, इट इज नॉट न्यूक. न्यूक इज जस्ट अ इंजन, आई मीन इट्स अ सॉफ्टवेयर. तो ये माया नहीं है, ये ब्लेंडर नहीं है, ये दिस इज नॉट दैट. दिस इज एन इंजन, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर. एंड इट इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड. जैसे सेलफोन आया था, तो अगर आप देखें तो पहले सेलफोन सिर्फ फोन कर सकते थे, उसमें टेक्स्ट भी नहीं कर सकते थे. फिर टेक्स्ट आया, पहले पेजर यूज करते थे फोन के साथ, उसके बाद पेजर का पैकअप हो गया, फिर सिर्फ फोन था, फिर टेक्स्ट करने लगे, फिर व्हाट्सएप करने लगे, फिर एक ब्लैकबेरी का एक दौर चला था जहाँ पे आप ब्लैकबेरी यूज करते थे. ब्लैकबेरी वाले कहते थे व्हाट्सएप नहीं करेंगे, अब सब व्हाट्सएप पे आ गए, ब्लैकबेरी चला गया. इसी तरह मैं आपको आई टेल यू एन एग्जाम्पल. एक दौर था जो बॉस और मैंने देखा है जब हम एक्चुअल फिल्म पे काम करते थे, फिल्म को टच करके काम करते थे. तो एक इंसिडेंट है कि मैं और एक मेरा दोस्त था जो एक असिस्टेंट एडिटर था जो मेरे साथ वामन गुरु के टाइम से था, तो मैंने उसको कहा चल मैं तेरे को दिखाता हूँ कुछ कमाल आया है. अब वो बेचारा फिल्म काटता था तो उसने देखा एक फिल्म एडिटिंग मशीन है, तो मैंने एडिटर को कहा यहाँ से यहाँ कट कर दे, तो उसने कट कर दिया. तो वो चौक के उड़ गया, बोलता वो बीच का पोर्शन किधर गया. मैंने बोला मतलब, बोला वो जो हमने काटा वो फिल्म गया किधर. तो मैंने बोला वो मशीन के अंदर ही है. बोला लेकिन किधर है, मेरे को दिख नहीं रहा है. क्योंकि वो इतना यूज्ड टू था काटने के लिए कि उसको लगा कहीं गिरा होगा. उसको ये नहीं समझ में आया कि ये डिजिटाइज हो गया. इसी तरह आपको इसको समझना पड़ेगा, ये एक नई चीज है. अगर आप इसको पुराने मेजर्स से देखेंगे तो
आप कंफ्यूज हो जाएंगे. लेकिन इतना सिंपल है, जैसे मैंने आपको ये मॉडल के बारे में समझाया, इतना ही सिंपल है. इसमें सब लोग कर पाएंगे इसको, क्योंकि जैसे ये कैमरा है, तो आज सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या हमारी कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कैमरा को कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसे ही अनरियल इंजन को कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोड्यूसर कौन है. अगर पहाड़ चाहिए तो वो पहाड़ यशराज को भी देगा, धर्मा को भी देगा, कोई छोटे प्रोड्यूसर को भी देगा, सबको देगा वो पहाड़. ये है, और उसके पैसे नहीं लगते. अच्छा विक्रम, एक सवाल पूछने. यू हैव इन्वेंटेड दिस वंडरफुल टेक्नोलॉजी. नॉट इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड. यू आर, बट यू आर नॉट पैटेंटिंग ऑल्सो. नो नो, इट्स जैसे आई हैव सेड इन द ऑडियो विजुअल, इट इज मेड बाय, इट इज ऑल्सो ऑलरेडी यूज बाय मैंडलोरियन. But I want to say something to all of y'all, and we should be very proud as Indians. And I would wish that hum log sab iska dandora peete. Ke Judaa Hoke Bhi is the first film in the world to be entirely made virtually. First film in the world. Hum logo ne, matlab Batman ne, jo abhi Batman jo recently release hui, Thor ne, bahut si filmon ne portions kiye. लेकिन टू शूट अ वन फिल्म एंटायरली इन वर्चुअल वर्ल्ड, आज इज द फर्स्ट फिल्म. एंड एज इंडियंस वी शुड बी प्राउड एंड से दिस टू द वर्ल्ड दैट वी बीट एवरीबडी. मैंने देखा फिल्म, इट्स वंडरफुल. आई कुडंट टेल, हिमांशु टोल्ड मी दैट इट्स अ शॉर्ट फिल्म इन वन सिंगल बोरीवली लोकेशन. आई कुडंट बिलीव इट. सी दिस, द ट्रेन दैट यू सॉ हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड द कंप्यूटर. The sun that you saw that was coming through the trees is inside the computer. The car that comes and stops in front of the house is inside the computer. Yeah. It's all there. All you need is to go there and claim it. Since you're the first person in, can I put it this way, in India to make this complete film in this technology, in spite of that, how you are so selfless enough to allow others to make in future, you could have kept the full rights within yourself and not let anyone make this kind of a technique. See, technology is like air. You can't trap it. You can't trap it. And if you trap it, you are stopping the flow of life. You know, you cannot stop the flow of life. And any director or any filmmaker who does not go out and help other filmmakers and his colleagues is not really a storyteller, because storytellers are always selfless. Storytellers live for other people. Hi, this is Suhail here. It's like copyrighting the sunlight. You can't copyright sunlight. Charging, sorry? No. But that is, see, it's like this. Let me explain to you. Say you want an airport. To shoot at an airport, you have to pay a deposit. And it is, I'm told that it is something like 2-3 lakhs an hour. Correct? If I'm giving you an airport at the cost of a mud island bungalow, is that charging for it or is that discounting the airport? You decide. You know, I'm not saying come to me if you want to make, if you don't want great visuals or if you don't want your film to look big, and if you want to shoot outside, please do. But if you want to rise to the level of an international film, you need minimum production value. Hi, this is Suhail over here from Ancient Bollywood. Bahut bahut, lekin congratulations for this. एक अद्भुत दुनिया है, यू कैन से. ये जुदा हो के भी, यू नो, बीइंग अ फर्स्ट वर्चुअल एंटायर फिल्म लगी है, पूरी है, तो उसको वो लेवल का, यू नो, उसको, यू नो, लोगों तक क्यों नहीं लेकर आके गया? बिकॉज दिस इज, एज यू सेड, लाइक दिस इज फर्स्ट इन इंडिया, यू कैन से. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, लाइक, यू नो, कि ये उस तक जिस तरह से ये पहुँचना चाहिए था थ्रू आउट द कंट्री और मे बी द एंटायर वर्ल्ड, उस तरह से वो पहुँचा नहीं है. आई थिंक बहुत से लोगों को यहाँ के, जहाँ जो रूम में बैठे, उनको भी इस बात का पता नहीं होगा.
being from a media. I'll tell you the reason for that. My father is a DOP, Praveen Bhatt. तो एक दिन छोटा था मैं, तो एक दिन उनसे नाराज हो गया. मैंने कहा पापा सब कैमरामैन यहाँ वहाँ से लाइट देते हैं और सब उनकी तारीफ करते हैं, आप एकदम सिंपल सिंपल शूटिंग करते हैं, आप भी कुछ ऐसा कीजिए, कुछ टेढ़ा मेढ़ा. तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा जब ऑडियंस बोले ना क्या शॉट है, तो वो कैमरामैन की हार है, जीत नहीं है, क्योंकि दैट मीन्स द कैमरामैन इज टेकिंग अवे फ्रॉम द स्टोरी. यू शुड नेवर टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी. द स्टोरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नॉट यू. सिमिलरली अगर हम लोग ऑडियंस को कहते रिलीज के पहले कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, सब लोग देखिए, तो वर्चुअल वर्ल्ड का पूरा जो इम्पोर्टेंस है वही खत्म कर दिया हमने. हम तो आपको ये कहना चाहते हैं कि ये रियल वर्ल्ड है. अब अगर आपको कह दिया कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, तो आप तो रियल वर्ल्ड कैसे समझेंगे उसको. इसलिए तो ये हमारा टेस्ट था, हमने चुपचाप रिलीज कर दी. इसके पहले जो मीडिया इंटरेक्शंस थे उसमें हमने बात की वर्चुअल वर्ल्ड की, लेकिन ऐसा नहीं किया. हम लोग ये रिलीज के पहले करने वाले, लेकिन मैंने सतीश जी से कहा मत करिए, लोगों को पिक्चर देखने दीजिए एक स्टोरी की तरह, और फिर अगर वो लोग बोले कि ये फेक लग रहा है, तो हमें सोचना चाहिए. तो अगर पहले से ही मैजिशियन ने बोल दिया कि अभी मैं ट्रिक दिखाने वाला हूँ, और ये ट्रिक ऐसे होती है, और फिर आपको मैजिक दिखाया, तो क्या मतलब हुआ उसका. विक्रम जी, मुझे और एक सवाल पूछना, जहाँ पर जब टेक्नोलॉजी आती है, तो वहाँ पर जहाँ पर हमारे ये इंडस्ट्री है, जहाँ पर लाखों लोग काम करते हैं, तो इज इट रियली गोइंग टू अफेक्ट देम ऑल्सो? लाइक डेफिनेटली कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो फिर मैन पावर थोड़े कम हो जाते हैं. इट्स अ गुड साइन, बट ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि ये मिक्स्ड रियलिटी है. पीछे LED स्क्रीन्स है, आगे सेट्स हैं, तो आपको सेट्स बनाने पड़ेंगे. सेट्स के लिए सेटिंग वर्कर चाहिए. तो मैं तो कहूँगा कि अभी जो सेटिंग वर्कर है उसके पास काम कम है, क्योंकि आप बंगले में जाके शूट करते हैं, अब अब्रॉड जाके शूट करते हैं, जहाँ सब्सिडी मिलती है वहाँ जाके शूट करते हैं. इस तरह आप अपने इंडस्ट्री में शूट करेंगे, लाइट तो चाहिए, लाइटमैन आएंगे, स्टूडियो तो चाहिए, स्टूडियो चलेगा, सेटिंग वर्कर्स तो चाहिए, वो भी आएंगे. तो बल्कि हम तो कह रहे हैं कि हम बॉम्बे की शूटिंग बॉम्बे में करेंगे, और न्यूयॉर्क की भी बॉम्बे में करेंगे, वरना सब लंदन में ही तो चले जाते हैं. आज कौन सी फिल्म लंदन में शूट नहीं होती, सब वहीं पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ सब्सिडी मिलती है, वरना फिर यूपी चले जाते हैं. बट साहब, आपसे एक सवाल है, विशेष फिल्म्स बहुत वक्त हो गया, एक लंबा वक्त हो गया कोई फिल्म नहीं आई, वहाँ से तो लगता है कि ये वर्चुअल वर्ल्ड को लेकर इवन विशेष फिल्म से भी देयर विल बी लॉट्स ऑफ थिंग्स विच विल बी कमिंग आउट. एनी प्लान्स? या डेफिनेटली. तो यही विशेष है. हाँ, यही विशेष है. ओके, विशेष रात की बात करता है, नया सुबह नई सुबह. सर, और जानता है तू बट साहब, बहुत खुशी की बात है, नाना बनने जा रहे हो, क्या कहोगे? व्हाट इज योर? अब आया हूं ऊंट पहाड़ के नीचे. मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, ये विक्रम की बात जो थी. एक रिसेंटली सजी जी एक बहुत ही हाई प्लेस्ड ऑफिशियल मिडल ईस्ट के कोई एक मुल्क के, उन्होंने हमें ऑफर दिया कि साहब आप आइए, हम आपको बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव टर्म्स देंगे, आप आके यहाँ शूटिंग कीजिए, हमारा जो स्प्लेंडर है, हमारे डेजर्ट्स हैं, हमारे ये हैं. तो उन्होंने कहा ज़रा आप अपने माइंड को रिकैलिब्रेट कीजिए, उस जमाने चले गए, हम बोरीवली में बना लेंगे सभी. तो वो चौंक गया. ये विक्रम ने कहा कि जो एक वर्कफोर्स को प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर, कि हमारे चंद टेक्नीशियन और की आर्टिस्ट को लेके आप बाहर चले जाते थे, शूटिंग वहाँ होती थी. अब जब हम यहाँ शूटिंग करेंगे,
अभी नया हमारा स्टूडियो बनेगा तो हमारा वर्क फोर्स जो है काम करेगा. और बाकी आपका जो सवाल है बड़ा घसा पीटा पुराना सवाल है, इस पर बहुत बोल चुका हूँ मैं, तो उस पर मैं जवाब नहीं दूंगा. सर हम तो आज पहली बार मिल रहे सर आपसे. पता नहीं मुझे आप टेलीविजन पे शायद आपने इसका उत्तर हिमांशु जी इसको क्लिपिंग भिजवा दीजिए जरा. ऐसा है एक चीज मैं कहना चाहूंगा सॉरी कि 1 अगस्त को हमारा स्टूडियो ओपन हो रहा है, स्टूडियो वर्चुअल वर्ल्ड. 4 बड़े फ्लोर्स हैं दही सर में, 4 बड़े फ्लोर्स होंगे, 4 बड़ी LED सिस्टम्स होंगे. एट वन टाइम 4 फिल्म्स कैन शूट साइमल्टेनियसली एंड दिस इज सतीश भाई ड्रीम. और सतीश भाई ने अकेले मेरी मदद के बगैर, क्योंकि मैं जुदा होके भी मैं बिजी था, उन्होंने ये स्टूडियो खड़ा किया है जो कि बड़ी बड़ी फिल्मों से लेके छोटी छोटी फिल्में को वहाँ प्रोड्यूस हो सकती है 1 अगस्त. विक्रम सर मेरा सवाल आपके लिए एक थोड़ा टेक्निकल सवाल है सर. जैसे अभी आप ये वर्चुअल बना रहे हो तो इफ अ कॉन्सेप्ट पे जब यू विल बी वर्किंग ऑन द मूवी, एक मूवी का एक स्टोरी लाइन आपके पास आता है और उसके ऊपर आप हाउ मेनी डेज एंड हाउ द बजट विल बी वर्कड ऑन दैट. तो देखिए स्टोरी लाइन पे है अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो बनाना मुश्किल नहीं होता, कुछ तो एसेट्स मिल भी जाते हैं हमें. जैसे आपकी एक मॉडर्न सिटी की कहानी है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन मेरी बेटी जो बना रही है 1920, तो उसे चाहिए था एक गाने के लिए, क्योंकि 1920 में गेटवे ऑफ इंडिया बन रहा था और ताजमहल होटल बन चुकी थी. तो शी सेड पापा आई वांट टू शूट अ सीन व्हेन ताजमहल होटल इज बीइंग मेड एंड ताजमहल गेटवे ऑफ इंडिया इज बीइंग मेड एंड ताजमहल होटल इज देयर. तो मैंने कहा कि बेटा मेरे को एक आधा अधूरा सा गेटवे ऑफ इंडिया बनाना पड़ेगा इसके लिए. या बट इट्स वर्चुअल नो, तो हमने एक्चुअली बनाया है. इट्स द फर्स्ट टाइम यू विल सी द गेटवे ऑफ इंडिया इज बीइंग मेड. इट्स हाफ मेड, बैम्बू लगे हुए हैं, ताजमहल होटल पास में है और सामने लव सीन चल रहा है. दिस इज द पावर ऑफ अनरियल इंजन. तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपके लिए मतलब व्हाट आई वुड से मेड टू ऑर्डर, देन यू हैव टू मेक इट. अदरवाइज अगर आपको पहाड़ चाहिए, रास्ते चाहिए, पेड़ वेड़ चाहिए, फल चाहिए, तो वो तो है ही, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट दैट हाउ मच हाउ मेनी मैन आवर्स आर यू गोइंग टू यूज ऑफ द टेक्नीशियंस टू क्रिएट दैट वर्ल्ड. और दूसरा सवाल I have done that in जुदा होके भी. कुछ ऐसे शॉट्स हैं जहाँ पे एक्टर्स को मैंने एनिमेट किया, एक्टर्स थे ही नहीं उसमें. मेटा ह्यूमन इज द लेटेस्ट अनरियल इंजन थिंग. ऑल यू नीड इज अ पिक्चर ऑफ द एक्टर एंड यू कैन पुट इट ऑन द मेटा ह्यूमन एंड यू डोंट नीड द एक्टर फॉर द वाइट शॉट. इट्स हैपनिंग माई फ्रेंड. सर और एक मेरा सवाल आपसे है कि आजकल ये पैन इंडिया मूवीज चल रही है, इट्स अ कॉन्सेप्ट, तो ये जब हम बनाते हैं, अब बनाओगे मूवी, क्या ये मल्टी लैंग्वेज में हो सकती है? हमारी फिल्में देखिए ये मैं आपको बात बताऊं, अनरियल इंजन ये वर्चुअल वर्ल्ड एक शूटिंग करने का जरिया है, एक छोटी पिक्चर को बड़ी या एक स्पेशल लोकेशन पे शूट करने का जरिया है. लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं इंजन बना जो कहानियां बनाता है. कहानी तो आपको ही बनानी पड़ेगी. हाँ वो कहानियां यहां रहती है. तो जब आप कहते हैं कि कितनी लैंग्वेज में बन सकता है, हजारों में बन सकता है, मगर कहानी ऐसी होनी चाहिए जो हजारों के पास जाए. ये टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, ये कहानी कर सकती. नहीं नॉट रियली. अब डब तो कोई भी फिल्म को कर सकते हैं, जो एक्चुअल में बनी है वो भी तो फिल्म डब हो सकती है. किसी भी फिल्म को डब कर सकते हैं आप. वर्चुअली बनी फिल्मों से और डबिंग से कोई लेना देना नहीं है.
I think he has mentally left the conference. Well, it deals with one of the major menace of which has been the albatross down the neck of man, which is human trafficking. And I think we have not yet woken up to the enormity of the problem and how everybody who is a somebody is involved to encourage and perpetuate this human trafficking, where human beings are trafficked for profit, for pleasure. Human being has become a toy, khilona. Khilone titles bhi hai. Jab insaan ki aukaat ek khilone ki ho jati hai. Ek bahut hi moving kahani hai of a girl who is in the heart of that problem and how she grapples, exposes and deals with it. And gives you a kind of a fairy tale ending, but tells you that this is the end of this story, but the problem is still there. Just because I have fought one battle and won it, that doesn't mean the war is over. The war is going on. So I think it was one of the very, very important film. That's why Vikram is making it. It is also making it in English. And as Satish ji said, we are not going to restrict our gaze to 9,000. We're going to increase it to 1.5 lakh theaters. We will reach, with our technology and our ability to tell stories, to tada jurat karke bade sapne dekhne chahiye. Let us have outrageous dreams. There are dreams jo hain, unko sapne bhi agar chote dekhe to matlab kya. Let us dream big. Yeah, Vikram. Yeah. But there's a difference between a visionary and a visionary and a dreamer. A dreamer just dreams. I have on my right and on my left two people who have given those dreams form. They have birthed those dreams in actual reality. He has created, juda hoke bhi, in the worst time of human history, COVID, and he has had the vision to see our first communication and come and say, I will back this vision because it is not only good for India, but it is going to be a global phenomena. So thanks to these two gentlemen, one on my left and the other right, that we are boasting about what we have at hand. Yeah, Vikram. Yeah, yeah. When you have the information given to the audience in advance that this is a, you know, virtual shot, like especially songs shot on locations. So when they are watching it, if you don't tell them, they will probably enjoy it more. But if you share with them in advance that this is done virtually, back of their mind, they know that this is done, in a virtual, the process. So do you think it might affect the audience, because they might feel that, oh, this is not, they have actually not gone on location, ye to studio mein hua hai. You know, will it snatch away the authentic reality of an actual location? See, right now we are talking about virtual reality. Lekin jab ye daur aur bhi chalega, aur bhi filmein banengi in virtual world, to har aadmi to virtual reality nahi bulega. अभी हम सब जानते हैं कि स्पेशल इफेक्ट्स होता है, कभी ख़राब होता है तो हम कहते हैं यह तो बड़ा ख़राब है, लेकिन जानते तो हैं, लेकिन फिर भी फिल्म इन्जॉय करते हैं. आज आप एवेंजर्स देखते हैं या कोई भी अंग्रेज़ी फिल्म देखते हैं तो आप जानते हैं ना कि ये जो मार रहा है ये स्पेशल इफेक्ट है. 2012 में अगर पूरी दुनिया तहस नहस हो रही है और पूरा न्यूयॉर्क सिटी नीचे गिर रहा है तो आप ये तो थोड़ी मानते हैं कि ये एक्चुअली किया होगा, क्या न्यूयॉर्क को उड़ाया होगा. तो आप जानते हैं स्पेशल इफेक्ट है, बट व्हाई डू यू बाय इट? यू बाय इट बिकॉज योर स्टोरी टेल्स यू बाय इट. दिस इज द स्टोरी, बाय इट. एलियंस हैव कम और उन्होंने अटैक किया न्यूयॉर्क पे और अभी हमको बचाना है, सो बाय इट. सो यू से ओके, आई बाय इट. तो ये है पावर स्टोरी टेलिंग. So I will say that virtual production is the greatest tool of storytelling.
Somebody told me something very important when Avid came. जब Avid ने प्रवेश किया था हमारे लैंडस्केप में और Steinbeck पे एडिटिंग होती थी तो साउथ में उसका एक सेमिनार था एंड Avid मैन्युफैक्चरर्स हैड कम थ्रू साउथ इंडिया टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ Avid क्योंकि Avid को उस दौर में उस नज़र से देखा जाता था कि जैसे वो आके लोगों की रोजी छीन लेगा और लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और ये इट वॉज लुक्ड अपॉन एज अ थ्रेट तो उसने एक बहुत बड़ी बात कही थी वो अमेरिकन था उसने कहा था टेक्नोलॉजी नो व्हाट इज टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी समथिंग दैट इज बॉर्न आफ्टर यू समथिंग दैट इज बॉर्न आफ्टर यू यू कॉल दैट टेक्नोलॉजी जैसे हमारे बच्चे जब पैदा हुए थे तो वो तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि कभी एक जमाना था जब आपके पास टेलीविजन नहीं था या सेलफोन नहीं था दे कांट इमेजिन ऑफ अ वर्ल्ड लाइक दैट तो दिस इज अ टेक्नोलॉजी विच इज बर्थेड नाउ दिस इज पोस्ट कोविड टेक्नोलॉजी मगर इन अ मैटर ऑफ टाइम दिस तो जनरेशन दैट विल बी बॉर्न 10 years फ्रॉम नाउ 5 years फ्रॉम नाउ दे विल से दिस इज अ प्रिविलेज करेंसी दैट वी विल यूज मगर हमको जिस तरह हमारे माँ बाप जो हैं फोन पे बात करते थे हेलो तो, हाँ तो अब बोलना पड़ता मम्मी जोर से मत बोलो आवाज पहुंच रही है तो जैसे आई डोंट यूज माई सेल फोन एज इफेक्टिवली एंड एज ब्रिलियंटली एज आलिया डज और शाहीन डज और पूजा डज दे आर सो ब्रिलियंट देयर बॉडी लैंग्वेज इज काइंड ऑफ स्टिच टू इट सो आई थिंक विक्रम इज अ पर्सन हुज बॉडी हैज टेकन टू the Unreal Engine and to this technology. And I, as a story content creator, am his support system to create the story fuel while he is immersed fully in the technological leaps that need to be taken. That's the marriage that we have. Ek chance dena yaar. हेलो हाँ बोलिए बोलिए विक्रम जी 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 एज ए डायरेक्टर वर्चुअल वर्ल्ड एज ए डायरेक्टर आपको एक आज़ादी देता है जी 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 बिल्कुल तो फिल्म डायरेक्टर तो आज़ादी कितनी महसूस की थी आपने क्योंकि आपने ऑन सेट भी की है और अब तो ये आज़ादी का कितना आपको जो है एहसास हो रहा है आज़ादी का एहसास तो आज हो रहा है क्योंकि जब ये सफ़र शुरू किया था तब तो बैंड बजी हुई थी क्योंकि लगा कि अगर ये फेल हुआ ना तो गए काम से रात रात भर जागते थे लोगों को शॉट भेज के बोलते नहीं थे कि ये रियल है कि नहीं कभी कभी जवाब आता था अरे ये तो बड़ा एनिमेशन लगता है फिर वापस काम करते थे तो आज हम ही नहीं मानते थे हाँ हमारी जिल्लत अलग झेलनी पड़ती थी हम भी तो उस दौर के अहमियत वाले हैं ना हाँ जब तक हम देखेंगे नहीं चखेंगे नहीं हम माफ नहीं करते आप माफ करते हैं क्या आप ही माफ करते हैं तो हम क्यों माफ करें इसको हम बोले भैया दिखा पहले हमको और लोग डराते भी थे हाँ यार आउटडोर चले जा हाँ ये मत कर विजनरी जो है बहुत तनाव चलता है तो ये इसका बहुत तनाव सफर रहा है मुझे याद है कि मिक्सिंग के टाइम पे 6 नंबर की रील थी उसका पूरा जो है काम हुआ नहीं था तो मैं तो 6 नंबर की रील थी उसको मिक्सिंग किया ये शूटिंग करता था वहाँ पर काम करता था तो मुझे भेजता था जाकर भट्ट साहब आप जाकर मिक्सिंग कर लीजिए ज़रा फिर मैं आके देख लूँगा जो अगर कुछ करना हो तो मैं गया 5 नंबर तक मुझे बहुत अच्छी लगी थी फिल्म बहुत करेक्ट थी बिल्कुल आँखों को भी ठीक थी मैं और मेरी एसोसिएट शुरीता हम लोग गए 6 नंबर देखने के लिए और जान निकल गई मेरी मैंने बोला ये तो जितना समा बन रहा था वो तो बर्बाद हो गया बिल्कुल और संडे का दिन था मुझे लगा कि भैया जाके वहाँ पर आराम से देखेंगे फिल्म मिक्सिंग में थोड़ा सा अपना रोब झाड़ेंगे विक्रम को बोलेंगे अच्छा है चलाएंगे वहाँ से फिर हम भागे बोरीवली जहाँ ये काम कर रहे थे जब तक इसने दिखाया नहीं कि क्या पक रहा है और वो इमेजेस वहाँ भेजे नहीं तब तक मुझे भी यकीन नहीं हुआ तो घर में भी आप एक स्ट्रेंजर की तरह चलते हैं जो विजनरी होता है ना वो बहुत तनहा चलता है So I am saying that this is a journey of a visionary. So look at this young man
इन फ्रंट ऑफ यू, गाल उसके सफेद हो गए होंगे, बट मेरे कंपेयर में तो यंग है वो. इसने कुछ कमाली कर दिया है ये, आज नहीं कल यकीन होगा आपको इस पे. और विक्रम भट्ट साहब की कौन सी फिल्म आप वर्चुअली रीमेक करना चाहेंगे? अरे यार तुम बस भट्ट साहब को डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में खत्म कर दीजिए ना, अभी जो पोस्ट जे के जे एच के वी की बात कर रहे ना. एक तो मैं समझता हूं कि भट्ट साहब की कोई भी फिल्म रीमेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भट्ट साहब कर सकते हैं वो सिर्फ भट्ट साहब करते हैं, और उसमें ज़्यादा होशियारी करनी नहीं चाहिए. तो यू कांट रीपेंट मोनालिसा, यू शुड जस्ट लेट इट बी एंड ट्राई टू मेक योर ओन मोनालिसा इफ यू कैन. तो आई थिंक दैट शुड प्रॉब्ली आंसर योर क्वेश्चन. सर मेरा क्वेश्चन, सर मेरा क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी तो बहुत न्यू आप ला रहे हो, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होगी या कुछ ग्लिच कुछ ऐसे? खास टेक्नोलॉजी में रहती है कुछ ना कुछ, कुछ लिमिटेशंस है या? लिमिटेशन ये है कि लोग इमेजिन नहीं कर सकते. इसमें सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन जो है ना, वही लिमिटेशन है. प्रॉब्लम ये है, अब कल मुझे कोई मिलने आया था तो उनका इमेजिनेशन जो है ना वो वहीं अटका हुआ है, बॉम्बे के कुछ सड़कों में. अरे आप बॉम्बे बना सकते हैं? मैं बोला बॉम्बे तो बड़ी आसानी से बना सकता हूँ, आप न्यूयॉर्क चाहते हैं क्या? तो आई थिंक वी आर, जैसे भट्ट साहब ने कहा, वी आर लिमिटेड बाय आर इमेजिनेशंस, बिकॉज दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द अनरियल इंजन. द ग्रेविटी ऑफ द पास्ट, अतीत का एक अपनी उसका ग्रेविटेशनल पुल होता है. आप अपने पास के पिंजरे में बंद होते हैं. तो ये मुझे ये बार बार आके राइटर्स रूम में कहता था, भट्ट साहब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आपके साथ मैं असिस्टेंट रहा हूँ, मैंने सीखा है आपके साथ में, आपने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया है, मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने जहन को खुला छोड़ दीजिए. वो तंगी जो हमारे दौर में थी, वो अब उस तंगी ने हमको परेशान करना नहीं जब हम क्रिएट करेंगे. अब आप बेझिझक सोचिए कि ये सीक्वेंस जो है कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारे तो जेब पे डिपेंड था कि हम लोग शूटिंग करते थे नाइट में, तो हम कैमरा पैन नहीं कर सकते थे. कैमरा पैन करते क्योंकि ज़्यादा लाइट चाहिए होते, लाइट चाहिए मतलब पैसा ज़्यादा चाहिए, जनरेटर आएगा. तो गरीब सोवियत सोशलिस्ट इकोनॉमी में सफ़र शुरू किया है, मुल्क में परिवर्तन आया, हिस्ट्री ने करवट ली, मगर ये जो एक लीप है ये आके मुझे बार बार कहता है कि आप खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते अपने जहन पर लिमिटेशन ना डालें. आप एक ऐसी लीप लीजिए जो जिसमें आप समझे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल. दिस वॉज रिपीटेडली हिज request to everybody in the writing room. And I would like to add that I would like to say in the press conference that here is a challenge. Give me a world that I cannot create. Give me a shot that I cannot do. Thank you. Thank you. Bahut time pass kar rahe hain. अच्छा एक 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 चल लास्ट लास्ट हिमांशु चलिए. ठीक ठीक ठीक, फिर बाद में परेशान करेगा वो. हाँ वो फोटो के भी तो पैसे देने पड़ेंगे मेरी जान. देखिए वो आप लॉन्ग शॉट में चला सकते हैं, लेकिन जो एक्टर करता है वो एक्टर करता है. वी शुड नॉट अंडरमाइन एनीबडीज टैलेंट नो एंड इन्फ्लुएंस ऑन अ पीस ऑफ वर्क. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग राइट फ्रॉम द सेटिंग वर्कर टू द ए लिस्ट एक्टर, एवरीबडी इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर आई वुड लाइक टू से इन ऑन अ पार्टिंग नोट, ये स्टेज पे तीन लोग बैठे हैं, टेक्नोलॉजी, स्टोरीज एंड विजन.
And that's how I see the three of us, and that's my parting note. Oh, bus. Thank you. Yeah, thank you. इसको कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजो सर. ये माइक आप से आप ये आपका है? ये मैं रखता हूँ, देता हूँ आपको. दो मिनट मैं देता हूँ, मेरे पास रखता हूँ, जेब में रखता हूँ. हाँ, एक सेकंड सर. एक विल हैव अ पिक्चर. ये टेबल क्वेश्चन वहीं पे वो टेबल हटा देता हूँ. From left to right कर लीजिए सर. हाँ जी जी. हो गया.